like and subscribe my channel, and also click on bell icon to receive another update, another video. First of all, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब क्या है कि फंडामेंटल का मतलब है सेल, फंडामेंटल का मतलब है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है वो सेल है, ठीक है। सेल सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन इसका डेफिनेशन ये है, इसको बाद में हम डिस्कस कर लेंगे। पहले हम इसका जो कुछ कॉन्टेक्स्ट के जरिए से हम सेल को स्टडी कैसे करेंगे, ठीक है। सेल को स्टडी करने के लिए मैंने एक खूबसूरत सा कॉन्टेक्ट बनाया है। इस कॉन्टेक्ट के थ्रू हम उस सेल को कंप्लीट स्टडी कर सकते हैं, सेल को डिस्कवरी स्टार्ट कर। तो आइए कॉन्टेक्स्ट हम पढ़ाएंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ सेल हम पहले पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ सेल, फिर हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे डिफरेंट बिटवीन यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। फिर हम पढ़ेंगे दोस्तों डिफरेंट बिटवीन प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म। फिर हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल के साथ क्या है, उसका शक्ल उस किस तरह है सेल। तो सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ सेल में सेल वॉल पढ़ेंगे, न्यूक्लियस पढ़ेंगे, साइटोप्लाज्म पढ़ेंगे, सेल ऑर्गेनिल्स पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे कि सेल कैसा शेप होता है, उसका कितना साइज होता है, उसका कौन कितना होता है, ठीक है। फिर हम इसका पढ़ेंगे छठे नंबर पर डिफरेंट बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। छठे नंबर पर हम ये पढ़ेंगे कि एनिमल्स और प्लांट सेल में क्या डिफरेंशिएशन है, ठीक है। तो हम लोग पहले आते हैं दोस्तों इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। सेल के इंट्रोडक्शन इसलिए कहते हैं, सेल को जो हमारे पास सेलुला भी कहते हैं, इज अ स्मॉल रूम। जब साइंटिस्ट ने उसको रॉबर्ट हुक ने उसने अपने सादा माइक्रोस्कोप में देखा तो उसको एक रूम जैसे नज़र आया। वो छोटी छोटी रूम जो उसे नज़र आए उसने उसको सेल का नाम दिया, ठीक है। सेल का मतलब खाना, ठीक है। द कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल रूम्स पॉम एंड होल ऑर्गेनिज्म। जब छोटी छोटी चीज़ें मिलती है तो एक बड़ा ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, डिवेलप करते हैं और बनाता है, ठीक है। जितना भी ज़मीन है सब में एक वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद है, ठीक है। अर्थ इज़ ऑक्यूपाइड बाई वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तरह मुख्तलिफ किस्म ऑर्गेनिज्म दुनिया में मौजूद है, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म दो किस्म के हैं, एक माइक्रो है एक मैक्रो है। माइक्रो का मतलब है स्मॉल, दूसरे ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन विद नेक आई, जो अपने आंखों से नहीं देखा जैसे उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और एक मैक्रो ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म विच कैन बी सीन विद नेक आई, ओके, लार्जर साइज वाले जो होते हैं, ठीक है। जिस तरह के अमोबा हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, ये हमारे पास लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो हमारे पास टाइनी माइक्रोस्कोपिक यूनिट से बने हैं जिसको सेल कहते हैं। एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड ऑफ टाइनी माइक्रोस्कोपिक यूनिट कॉल्ड सेल, ठीक है। द बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शन फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, बिल्डिंग ब्लॉक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है ना ये बेसिक भी हैं, बुनियादी चीज़ें, स्ट्रक्चर भी हैं। स्ट्रक्चर मतलब इसे जिसम बनते भी है, ऑर्गेनिज्म बनते भी हैं। फंक्शनल मतलब सेल इसमें काम भी करता है। फंडामेंटल बुनियादी भी है, यूनिट ऑफ लाइफ जो सेल है ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, ये लाइफ की एक इकाई है, इससे लाइफ बनती है, ठीक है। इस तरह हम पढ़ेंगे फिर डिस्कवरी ऑफ सेल, मतलब सेल को कैसे डिस्कवर किया, कैसे वजूद में आया, ठीक है। तो हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है सेल की, रॉबर्ट हॉक एक साइंटिस्ट था जिन्होंने इन द ईयर ऑफ 1665 में 1665 में उन्होंने एक प्लांट की कॉर्क प्लांट को उन्होंने माइक्रोस्कोप क्रॉस सेक्शन काट कर उसको माइक्रोस्कोप में देखा। जब उन्होंने उस कॉर्क प्लांट को देखा एंड उसने खुद बनाया था रॉबर्ट हॉक ने जो माइक्रोस्कोप बनाया था, तो उसमें उन्होंने जब देखा उसमें एक उसको उनको एम्प्टी स्पेस नज़र आया, ठीक है। तो उन जिस तरह के हॉनोकॉम देखा है आपने, हॉनोकॉम उसके उस तरह के उनको एक एम्प्टी स्पेस नज़र आया, ठीक है। जस्ट लाइक अ स्मॉल रूम, एक छोटे रूम जैसे उसको एक शक्ल नज़र आई, स्मॉल रूम जैसी शक्ल नज़र आई, ठीक है। ये जो माइक्रोस्कोप था उन्होंने हुड डिज़ाइन किया था, ठीक है, और उसको एक स्मॉल रूम नज़र आया।
कि कंफर्ट में नज़र आए, ठीक है। तो उन्होंने उनको नाम दिया सिल, सिल नाम इसलिए दिया कि सिल कहते हैं किस चीज़ को, हाली खाने को कहते हैं, ठीक है, खाने को कहते हैं, ठीक है, सिर को, मतलब उसने कहा ये हाली है। इस तरह ये देखा, इस तरह आपने देखा होगा हनी कॉम, आपने देखा होगा जो गबीन देते हैं, शहद देते हैं, वो इस तरह होते हैं, इस तरह होते हैं, तो उसको इस तरह शक्ल नज़र आया, तो उसने, तो ये पूरा कॉन्टेक्स्ट है। तो दोस्तों ये जिस तरह मैंने आपको अभी इंट्रोडक्शन पढ़ा है, ठीक है, हमने इंट्रोडक्शन सेल भी पढ़ा, डिस्कवरी ऑफ सेल भी पढ़ी, ठीक है। और अभी हम पढ़ेंगे क्या, डिफरेंट बिटवीन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इस तरह हर वैल्यू, इस तरह के डिफरेंस बिटवीन देखने के लिए, इस तरह का ये सारे लेक्चर में आपको तफसील से दे दूंगा, ठीक है। और इसको समझने के लिए, देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बेल आइकन पर क्लिक करो। बेल आइकन पर क्लिक करने से ये होगा कि आपको मेरे हर वीडियो आपको तक पहुंचेगी, ठीक है, सबसे पहले। ओके, थैंक यू, शुक्रिया।